बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें जी, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टर इफ्तारी। तो हम लोग आए हैं जी ग्रॉसरी करने के लिए। आपको पता है कि तीसरा श्रम माशाल्लाह से स्टार्ट हो चुका है, तो अब ईद भी करीब करीब है, तो बस घर का जो ना छोटा मोटा सामान लेना था। तो मोस्टली रोज़े के साथ नहीं निकला जा सकता, जैसे कि आजकल फिर गर्मी है जो ना वो अपने अरूज पे है, तो इस वजह से हम लोग ना इफ्तारी करके निकले थे बाहर। तो चले जी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं अपना छोटा सा ब्लॉग और छोटी सी शॉपिंग। तो जी हमारी ऑलमोस्ट सारी ग्रॉसरी होती है डन यहाँ पर। अब हम लोग चलेंगे बिल करवाने के लिए, और उसके बाद मैं आज आप लोगों को ना हातिमगढ़ निचला जो एरिया ना उसकी भी जो है थोड़ा सा विजिट करवाऊंगी, जहाँ पे उन्होंने क्रॉकरी और डेकोरेशन का सामान वगैरह रखा होता है। इससे पहले जब हम लोग आए थे ना, तो मैं निचला पोर्शन नहीं घूम सकी थी क्योंकि जल्दी थी, बच्चों से स्कूल से आए थे और आज हम फ्री थे, तो सोचा चले आप लोग को निचले एरिया का विज़िट भी करवा दिया जाए। तो यहाँ जी हम लोग ग्रॉसरी करके जो उतर रहे हैं निचले पोर्शन की तरफ, तो मैं यहीं पर रुकी थी आप लोगों के लिए शूट करने के लिए। मीनवाइल बच्चे और अम्मा जो है ना सामान को गाड़ी में रखने के लिए चले गए थे, तो आवाज़ के लिए थोड़ी सी माजरत है क्योंकि मेरा गला इस टाइम ख़राब है बहुत ज़्यादा, तो इसी तरह गुजारा करें। तो ये देखिए जी, मैं निचले एरिया में आई हूँ जहाँ पे बेतहाशा जो ना वो बर्तन और डेकोरेशन का सामान, टेबल्स, छोटे छोटे किचन की एक्सेसरीज़, टब, बाल्टी, चम्मच वगैरह हर चीज़ यहाँ पे जो ना उन्होंने अवेलेबल की हुई थी, जो कि काफ़ी अच्छा था। लेकिन प्राइस जैसा कि आपको पता है कि आजकल हर चीज़ की प्राइस जो है ना वो डबल हो गई है, तो ऐसा सीन यहाँ पर भी था। टैक्सेस अलग हमने पे करने होते हैं और प्राइसेस हम लोगों ने अलग पे करनी होती हैं। तो खैर मैं आप लोगों के से विज़िट करने आई थी यहाँ पर बाय, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, मुझे यहाँ पर कुकर एक पसंद आया था 4 लीटर का, तो मैंने उसकी प्राइस पूछी, तो मैं तो सुन के जो ना वो हैरान होगी कि इस छोटे से कुकर की प्राइस जो है ना वो आई थिंक 7,500 रुपये उन्होंने बताई थी, और ये जो रैक है बर्तनों वाला ये 13,000 का था। तो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा आजकल हुई हुई हैं। तो खैर सिर्फ मैंने ना इन्फॉर्मेशन ही लेनी थी कि देखा जाए कि यहाँ पर अच्छा भैया, इसके अलावा 7,000 का कुकर और टैक्स हम लोगों ने 18% अलग इसके ऊपर पे करना है।
तो खैर ये था यहाँ का ये निचले पोर्शन का विज़िट। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, सिर्फ आप लोगों के लिए शूट करने आई थी। तो चलें जी ब्लॉग को एंड करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद मैंने ब्लॉग जो है ना वो एडिट किया और डाला है, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी आजकल आपको पता है कि हर बंदा जो है ना वो फ्लू फीवर और कफ़ में पकड़ा गया है, कफ़ की वजह से। तो कुछ ऐसा ही सीन मेरे साथ भी हुआ है। तो यहाँ से करते हैं जी ब्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। और ईद की शॉपिंग जिस चीज़ ने देखनी है ना उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें, मैं बहुत जल्दी जो ना एक ब्लॉग आप लोगों से शेयर करूँगी। अपनी शॉपिंग तो नहीं खैर मैंने ऐसे की, लेकिन बच्चों की शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो उसका एक अलग ब्लॉग आएगा बहुत जल्दी, उसका वेट कीजिए। टिल देन दुआ में याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए रब रखा।